अंदर सतगुरु तेरा ही आसरा। मारू महला पहला खेलने का शौकील है। हम स्कूल भेजते हैं, कभी भाग आता है, कभी खेलने लग जाता है, कई दफा घर वालों को भी नहीं पता चलता कहाँ है, ना स्कूल वालों को। फिर हम उसको समझाते हैं कि भाई पढ़ ले, मुझे बैठ, तेरे काम आएगा। इस तरह काया नगरी में मानक बच्चा है। काया नगर एक बालक बसया, एक पर ठहरना रहा, मिनट नहीं टिकता। ये विषयकारों का आशिक है, निर्भोगों का आशिक है, इन्हें फंसा पड़ा है। सोच लो, संत कहते हैं तू इनको छोड़, घर रह, घर बैठ के पढ़। कौन सा घर है इसका? जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो ऐसे बैठ जाते हैं। सोच लो, ख्याल को टकाते हैं, सारे ख्याल छोड़ देते हैं। इसे हम बैठ के सिमरन कर, यहां बैठ के सिमरन कर, सोचो। लेकिन ये फिर बात है, टिकता नहीं। साईं सुना करते थे, जावे ल्यावे पड़ पुट, जावे ल्यावे पड़ पुट। मन भी एक बच्चा है, इसको टिकाओ भी बैठ के सिमरन कर। चल अंदर, कल जो विश्वकर्म का आशिक है, फिर अगर बाहर ढूंढता भी है मालिक को तो बाहर तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, बाहर से ना किसी को मिला ना मिलना है। असली मंदिरी शरीर है, हर मंदिर शरीर है, ज्ञान तो प्रकट हुए। मन मूल न जाने, मन सर मंदिर है, आदमियों को बनाया नहीं। ये असली मंदिर है, जिसने पाया इस मंदिर में मुझको कहां ढूंढे तू बंदे, मैं हूं तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंत निवास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कह कभी सुनो साधो ना तो विश्वास में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
मालिक ने दुनिया बनाई है, वह सब का मालिक है। वह इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिरों और मस्जिदों में नहीं बसता। हाफिज साहब फरमाते हैं, सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि परमात्मा मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है और वह मजहबों और फिरकों से बहुत दूर है। बहुत दूर है, ऐसे ललन के मंगे मिट्टी के लिए सारे झगड़े झगड़े हैं। सोचो, अपने बनाए मंदिरों मस्जिदों को बचाते हैं, मालिक के बनाए हुए मंदिरों को तोड़ते हैं। नहीं कहते घर बैठ बैठ सुन कर ये विश्वकारों का आशिक है, फिर उनके लिए चीजों की जरूरत है, फिर लालच करता है, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, ये हो जाए वो है, लालच छोड़। जब लालच छोड़े सिमन करे ख्याल कम पीछे कट्ठे टकाए, यहां से रास्ता मिलता है। यहां से तो मार्ग शुरू होता है। हाँ, जिसको मिला अंदर से मिला है, या हम आप देखते हैं या हम बिंदी लगाते हैं, आम देखो बिंदी लगाते ना, यहां या तीन लाइनें खींचते हैं, बिंदी हम वो बांधते हैं, हिंदू सा ये बोधी रखते हैं, मुसलमानों के ऐसे पट्टी सी बनाते हैं, ये है क्या? इतने बन गई, इसका मतलब है यहाँ ख्याल को टकाओ, यहाँ तीन रास्ते हैं, दरमियान के रास्ते चलो, ये जो है एक स्टेज है, बोधी आखिरी स्टेज है, यहाँ आओ। ये है, सब भूले फिर रहे हैं, ऐसे सबके अंदर ज्योतें जाग रही हैं। ये हमारे समझाने के लिए थे स्कूल। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारे में जाओ, दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुंबद होगी या अलमुत्री शक्ल। सबके अंदर ज्योतें जागती हैं, मुसलमानों के चिराग जलाते हैं, ईसाइयों के कैंडल जलाते हैं, ये है क्या? ये हमारे समझाने के लिए थे, जैसे बच्चों को समझाते हैं चीजें बना के मिट्टी की, ये क्या है केला, ये क्या संतरा है तो नहीं, ये गुंबद है सिर, ये नमूत्री शक्ल है जिसको कृष्णा ने कहा नाश का कर भा, यहां आए कुदरती ज्योतें जग रही हैं, घंटे संग बज रहे हैं। ये हमारे समझाने के लिए बाहर बाहर रख दिए सबने, और बाहर बाहर रहेगी दुनिया, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं। ये ज्योत देखनी थी, एक फकीर हुआ है अशरम, उसने लिखा माई मेरे मंदिर में ज्योत जगे, बिन दीपक बिन बाती घृत के झिलमिल ज्योत जगे। ये ज्योति का सगल उजारा देखते पर भगे, ये तो कमरे में रोशनी नहीं देती, सोच लो वहां अनंत बज रहे हैं। यही प्रश्न का उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, छेरत बारह मास जरत रहे दिन राती। ये तो कभी दिया टूट गया, कभी तेल खत्म हो गया, कभी बत्ती खत्म हो गई। सोच लो सदगुरु मिला जो होए ताई की नजर में आवे, बिन सतगुरु को होने वाको दर्शावे, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, उसमें से आवाज भी आ रही है, बुला रहा है। लिखा अंतर ज्योत अंतर बाणी, उस ज्योत को देखना था, यहां से मार्ग शुरू होता है। अगर उस ज्योत को देख ले फिर ये खालसा बनता, पूर्ण ज्योत जगे कट में, तब खालसा था ना खालस जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है, जिंदा मरना क्या, कब्रों में जाना नहीं, मसानों में जाना नहीं, मौत की घाटी को गूर करके आए जिंदगी में, जब मर्जी आ जाए जब मर्जी चला जाए, जिसको कहते जड़ चेतन गांठ खोलना। सारे ख्याल निकाले, ख्याल समय करके यहां ख्याल को टकाया, फिर वो देख सकता है। फिर क्योंकि सब कहते अमन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीत हुआ, जब मैं जिंदा मरा सतगुरु। सोचो जो से तल पड़ा, मैं सनातनी बन गया, यहां रूप काफी सब है, फिर आर्य बन गया, वो राम नाम की ज्योत है, राम नाम है ज्योत सवाई, तत्गुरु मत कर लीजिए, फिर ये नामकारी बन गया।
यही सच्चा सौदा बिल्डिंग और नाम सच्चा सौदा नहीं, सच्चा सौदा नाम है सच व्यापारा राम गुरमति हन रंजीत मूल फारा राम। एक का बाणी एक गुर एक शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच रतने पर पंडात, इसका नाम सच्चा सौदा है। ये हमारे वास्ते स्कूल है, सत कौन सी ताकतें हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बसार, पढ़ते भी हैं कूड़ के लिए लड़ के मर गए सारी दुनिया। नानक भाने बेंदी तुझ वजो कूड़ो कूड़ मल के स्वास्थ त्रिलोकी तक कूड़ का दायरा जर्मन का चक्कर है, सबको छोड़े अंदर जाए फिर है यहां से निकारी बनता है। विमान साहब लिखते हैं गुरमुख राग स्वादन त्यागे गुरुमुख ए मन भक्ति जागे आनंद सुन मन माने शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी फिर निरंकारी बनता है। शमशेर ने लिखा है कि आदमी को इंसान बनने के लिए सैकड़े साल चाहिए इंसान बनने के लिए, फिर इंसान को मुसलमान बनने के लिए फिर सैकड़े साल चाहिए। बोलो ऐसे मुसलमान बने बैठे हैं जैसे कोई डॉक्टर में दाखिल होता है उसी दिन से कहने लग जाता है डॉक्टर साहब बना तो नहीं बनेगा तो जब कोर्स करेगा कोर्स किसी ने भी ना किया ऐसा बन गया ऊपर ऊपर से। सोच लो ये काम करना था, ये मुक्ति का रास्ता है वो अंदर है बाहर नहीं, जिसको मिला अंदर से मिला सब कुछ के अंदर है, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। इसका अंदर सब कुछ फंसे खंड मंडल पाताला, इसका अंदर जग जीवन दाता वसे सपना कर पाला, इसका अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पुनवा जारा, इसका अंदर ब्रह्म विश्व महेशा सौ उपज संसारा सच्चे आप फिर चाहे हवा का सारा। अब दो उनका तुम नारा कोई जाने का जाना नहारा, याद रख भी तो बन और बस्ती याई में झाड़ पहारा बन बस्ती में इसके अंदर है, याद रख भी तो बाग बगीचा एम सिंचन हारा बाग बगीचे भी हैं, याद रख पीतर काशी मथुरा यही में गढ़ के नारा, याद रख पीतर सूरज चंदा यही में नौ लख तारा। सोच लो याद रख पीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा कृष्ण मान ब्राह्म सुख दिखा देवी देवते अंदर दिखाए वो कब देखोगे, याद रख पीतर तीन लोग का यही में सृजन आरा कहे कृष्ण अब्दू यही में गुरु हमारा, वो गुरु भी इसके अंदर मुक्ति का दाता। चीज अंदर आ फिर तो बाहर फिर कैसे मिले, सब कुछ कर में बाहर ना ही बाहर टोले सो कर्म पुलाई। हाँ क्या कहते बाहर सीजन छोड़ ये लालच खंचे फिर आए बाहर इंद्रिय के विषय जितनी लज्जा लेता है उतने मालिक से दूर। बहुत स्वाद दुख प्राप्त होवे भोगे रोग संत होवे ग्रंथ संत यहां तक लिखा है एक निम्क स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए, एक निम्क बार की लज्जा ले कोट दिवस करोड़ दिन हिसाब लगा लो 28-30 हजार साल बन जाएंगे, इतना दुख उठाना पड़ता है। उल्टे रास्ते पड़ी है सारी दुनिया। हाँ हाँ जी लालच छोड़ चल अंदर। हाँ हाँ जी अगर ये नहीं करता हाँ लालच छोड़ रचो परंपर पावे मुक्त द्वारा करता तुम जिंदतों के वाले होगा कर्म की जाले फंसी पड़ी है दुनिया, अच्छे बुरे कर्म सब पकड़े बैठे हैं, कब तक कर्म कमावना दोस्त ने कहू दो परमेश्वर तो पुलिया व्यापन सभ्य रोग बेमुख हुए राम ते लगन जन विजो किनमें कूड़े हो गए जितने माया पो। चीज अंदर फिर तो बाहर है कदा ये अगर तू राम नहीं जाता अंदर नहीं जाता सुखों से दूर हो जाएगा 84 भक्ति का कभी गदा बनेगा कभी घोड़ा कभी कुछ कभी टाइम है सब सुख जाए
दुखा फना दे फिर तो खड़े हैं। गला घोड़ा बनना आसान है, नरक में जाना आसान है। सोच लो फकीरों को देखकर दुख आता है इन बातों का। शुरू शुरू की बात है, ऐसे सच के साथ साथ नाला था, वहां से पानी टूट गया, कच्ची सड़क थी, गाड़ी फंस गई। गुलाराम को तो पता होगा, गाड़ी फंस गई, गाड़ी वाला बाड़ियों वाला डंडे मारता था बैलों के, उसने बाड़ के ऊपर से देखा, उसने में बाड़ थी, ठंडी सांस भरी कि देखो भाई जब इसको इन बैलों को आदमी की जूनी मिली थी, अगर कदर करते कोई भक्ति करते क्यों डंडे खाते। सोचो हमने भी कई दफा खाए होंगे, क्या पता कहाँ 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 गए हैं। ये टाइम है छुटकारे का, फायदा उठा लो, जप लो, चलो अंदर। हाँ हाँ जी हाँ। जिस विसर बाकी अगर ये नहीं करता, जमदूत खड़े हैं ऐसे जैसे बिल्ली चूहे की तरफ देखते, कम पकड़ू बस वो भी खड़ा है जमदूत। हाँ हाँ जी हम्म। जिस विसर जो लावे सब सुख जाहे दुखा फुन आगे। हजारों कर्म धर्म जप तप पूजा पाठ कर लो, छुटकारा नहीं। सोच लो चीज अंदर है, सोच लो जब तक अंदर नहीं जाता जब छुटकारा नहीं। जिन कर्म धर्म पे हम नाज करते हैं वो रास्ते में डूबते हैं जमदूत। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागा ती लुटे, निर्वाण कीर्तन का वो करते का निमिक से छूटे। निर्वाण कीर्तन कहो, सच्चा नाम कहो, सच्ची वाणी कहो, सबके अंदर है। हाँ हाँ जी सब सुख जाने दुखा पुन आगे, राम नाम जप गुरुमुख जी अड़े। राम नाम जप गुरुमुख जी अड़े हो परम तत्व जब राम नाम अंदर प्रकट कर ले बस ये छुटकारे वाला है। हाँ जी नाम एक शक्ति है। गुरु अमरदास हम ख्याल नहीं करते, 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे, 21 बार गंगा स्नान को गए, कहां गोविंद बार कहां हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना महीने लग जाते थे। फिर रोंदे साहब की शरण में आए, कितना किया जब तक देखो कुछ मिला, कीर्तन बगैर कुछ मिला। फिर रोंदे साहब की शरण में आए, 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन को सेवा रात को किल्ली से केस बांधे, फिर मल की प्राप्ति की, नतीजा क्या देते हैं। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कुछ न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। ऐसे सारी दिन मल की पूजा करती है, जो असली पूजा मिलनी दुर्लभ है मुश्किल है, वो क्या है, इसको पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, कोई तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उसको प्रकट कर, ये असली पूजा है। बिन नामे और पूजना हो गई परम कुली लुकाई, बिन नामे दर टोई ना तन जम करे खुआरी। पढ़ते भी हैं जिया रे ओला नाम का, अवर जी कर्म क्राम नो तिर में भाव जाम का, कितने कल जुनते हाँ चढ़े, चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, पाप जो बीजे सब कर्म रह के जाए, बिन सतगुरु जम काल ना छोड़ी दूजे पाए खुआई।
वो सदगुरु शब्द रूप में नाम रूप में सबके अंदर है, उसको पलट के घर छुटकारा नहीं, सबको जिंदू तो घर जाना पड़ता है। हाँ, राम नाम जप, हाँ राम नाम जप गुरु मुख जियाड़े हो परम तत विचारा है। कह कृष्ण नर भाई राम नाम गत पाई। हाँ हाँ जी हर हर नाम वो नाम एक शक्ति है, जटे जटे में है, सब कुछ जिंदगी और ताकत दे रही है, रेडी वेव्स की जरिए सब जगह है। यहाँ रेडी वेव्स हैं, सुन तो नहीं सकते, जब रेडियो में स्विच लगाते हैं फिर सुनते हैं, इसलिए वो अंदर जाके सुनी जाती है, उसका ख्याल टका है तब सुना जाता है। हाँ हाँ जी हर हर नाम जपो रस मीठा हर हर नाम जपो रस मीठा गुरुमुख हर रस अंतर दीठा। वो नाम में मिठास है अंदर, नौ निंदमर प्रभ का नाम है कहां, देही में उसका विश्राम। पढ़ते भी हैं हर हर नाम हमस मीठा गुरुमत सजे पीजे नौ दरवाजे नमेदार फीके रस अमृत दस में चूजे है। सोच लो वहां जाए तो पिए, क्या तुझे मिठास है, कैसी मिठास है, उसके मुकाबले में कोई मीठी चीज नहीं, कोई लज्जत नहीं। फरीदा शक्कर खंड नमात गुड़ मक्ख मज्जा दुध सभ्य वस्तु मिठिया रब न पर्यंत तो उसके मुकाबले कोई लज्जत नहीं। वो लज्जत गुणखुण लिया है, गुणमुख हर रस अंतर डीठा अंतर। सोचो वाणी पढ़ते हैं बस बचारता कोई नहीं, अंदर है ये रस लेना था। कह नगर नगर है निको बिच सौदा हर रस कीजे। सोचो मसान लिफाया करते थे, देखो भाई तुमने लड्डू का रस लिया, जलेबी का लिया, अंगूरों का लिया और रस लिए, ये काल के बनाए हुए हैं, जो मालिक ने बनाया है हर रस वो ना लिया, ये लेना था, ये रस पीना था। सबके नाम रस रहे हैं, झिम झिम वर्ष अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा फिर उन्हें अगर होका दिया कोई प्योर राम रस प्यासा, किसको प्यास हो तो पिए गगन मंडल में अमृत वर्षे अनुमन के घर बासा दब सब कहते हैं पियो अंदर चलो। हाँ हाँ जी हर हर नाम हर हर नाम जपो रस मीठा हर हर नाम जपो रस मीठा गुरमत हर रस अंतर दीठा। रास्ता उल्टा है, सोच लो सारे दिन बाहर बाहर फिर रही है, चीज अंदर है। अगर ठीक रास्ता हो कदम कदम भी चले एक दिन मंजिल पर पहुंच जाता है, अगर रास्ता ही गलता है कितना भागता दौड़ता जाए दूरी दूर होता जाएगा, बस सारी दिन दूरी दूर होते रहे। सब जप सब तप सब चित्राई उज्जड़ भर में राह न पाई, बिन बुझे को था न पाई, नाम उन्हें माथे चाई को नहीं पूछता। हाँ हाँ जी हाँ राम रहो रंग राते अहलस राम रहो रंग राते जप तप संयम सारा है। अगर एक दफा तलक पड़ जाए उसको छोड़ने को दिल नहीं करता। सोच लो फिर सब जपो तपो भक्तियों का नतीजा निकलाता है, सब भक्तों का भक्तियों का मूल क्या है, उस रस को पीना लज्जत लेनी, सबका मुद्दा हल हो जाता है।
वो चीज अंदर है, फिरता बाहर है। अंदर जाए तो पिए, फिर बोल भाई। हाँ अंदर भी दो किस्म का है, जैसे ये कौम चल रही है अंदर भी है, जैसे अफसर हैं वहां भी हैं, जैसे हम महकमे हैं वहां भी हैं, जैसे यहाँ एक सूबे का है इलाका, एक सेंटर का है, सोच लो सेंटर के मुलाजिम हैं, अंदर भी ऐसे ही है। काल का महकमा में जब तब वगैरह जितने सब उसके हैं दायरे के, इसी में फंसा देता फिर बाद में, कर्म धर्म जप तप इसी में। सदगुरु का महकमा वो अंदर सच्चे नाम की भक्ति सिखाते हैं बस, जैसे सेंटर का उप मुलाजिम हो, लेने देने तो खत्म करने पड़ेंगे, लेकिन सुबह वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये है, काल का लग गए, सदगुरु का लग गए, त्रिलोकी तक काल का दायरा है, तीन लोक और चौदह हमने इस गोकुल का राज पढ़ते भी हैं, खेल भी मालिक ने आप ही डाला, खंड पाताल दीप सब लोहा, सब काले वास आप प्रभ किया, आप ही किया उसको रचना चलाने के लिए। हाँ जी, अब ये कर ले सब जपो तपो सबका नतीजा आ जाए। हाँ जी हाँ जी, सबका मुद्दा हासिल हो जाए। हाँ जी किसी के लिए भक्ति करते हैं, कभी शांति आ जाए किसी मिली, 88,000 साल तक किसको शांति मिली, 60,000 साल तक पूर्ण योगी किसी को मिली, मन ने मार दिया सबको। हाँ जी ठीक, फकीर मिले जपे दो दो चार चार मिनट वक्त दे जितना हो सके, इसको पता लग जाए कि हाँ अंदर है कोई चीज शांति है, करता नहीं कोई। हाँ हाँ जी जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरु बचनी बात सुनो, राम नाम गुरु बचनी बोलो। हाँ संत सभा में रस खोलो, कहते राम राम ही करना और क्या, सोचो राम नाम गुरु बचनी बोलो, वो जो तरीका बताएं वो साधु कहां बोलता है, कहां समझाता है, संत सभा में। संत किसे कहते हैं, जिनके हीरे वसे मेरा सतगुरु सोई संत परिपांत, जिसने अंदर सतगुरु को प्रकट किया उसका नाम संत है, जो चौथे लोक में जाता है। ऐसे संत मिले फिर वो बताए, ऐसे सिमरन कर भाई चल अंदर, अंकों तक आप किसी सिमरन से भी आ सकते हैं, अपने नाम के सिमरन से भी आ सकते हैं, लेकिन आगे रास्ता नहीं। गुनान साहब खुद काल मछाले कायम कर गए, खुद अकाल पुरख आए, जब वापस जाने लगे तो रिद्धियों से घेरना चाहा, वो तो उनकी चाल से वाकिफ निकले, बाकी इसकी ताकत निकल जाए, अंदर बड़े धोखे हैं, बिखरे दाव लगा मेरे सतगुरु सुख सह सिद्धि कर जाते। विषम का रगड़ा है भारी, कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी, मगर संत भी मिलते हैं माल की मेहर से, बिन हरी कृपा मिले नहीं संता, तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ उनका जो बताया रास्ता वो सही रास्ता है, ये लफ्ज बदलते रहे और बदलते रहेंगे। अब फकीर को अथॉरिटी है मल की दरगाह से, उसका बताया लफ्ज काम करता, बाकी नहीं, बाकी नीतें बन जाती हैं बस। हाँ संत सभा में रस टोलो। हाँ राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में रस तो गुरु मत खोज लहो तारिया पना,
मत दुनिया में दो मत हैं, मन मत और गुरमत। सारी दुनिया मन मत में मन के पीछे लगे हुए, सबका गुरु परमेश्वर यही है। जो कहता है ये उसके पीछे लगते हैं। गुरमत उस फकीर के पास है जिसने अंदर सदगुरु प्रकट किया है। वो कहता निकल यहां से, तन मन के बंधन छोड़, इसकी मत त्याग, मन की मत त्याग हो जिन्हें बात कठिनी, साथ रहने वालों ने जल्दी जल्दी नहीं त्यागी। सारी उम्र मर्दाना भागता रहा, देख लो वहां रहूंगा जहां टका सिर खाजी टका सिर पाजी। देख लो मत मत छोड़ो, उनके ताब चलो। गुरमत खोज लो घर अपना, इस घर में है जो राम नामक खास जगह पे है। वो राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सदगुरु मिले तो खोजे मिल ज्योति जो सुमानी। सोच लो ये राम नाम कोठड़ी खास कोठड़ी में है, एक किला है, इसमें खास जगह है, वहां पड़ा है, अंदर जाए सदगुरु पास तो दे कैसे दे। राम नाम कोठरी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सदगुरु मिले तो खोजी मिल ज्योति जो सुमन। अंदर जाए तो पता चले कितनी रुकावटें हैं। वो त्रिलोकी से पार जा, कह के विजन गाय के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सदगुरु नाम। इधर सब ने कहा बंधन तीन लोक बापड़ा कैसे दर्श लहे, नाम निशान सगल जग ऊपर दादू देखता है। असली नाम असली अमृत त्रिलोकी से पार जाकर मिलता है। नीचे का कहीं ने पिया है, तू सब कहते हैं तेरी कहर अलमास पी ले रहे, नाम की बुट्टी ब्रह्मा पी विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीर ऐसी पी आवागम छुटकी, मेरा छुट गया है उनका नहीं। वो नीचे नीचे रह गया, नीचे का अमृत पिया है ऐसे नहीं। पटवारी की पूजा करने को भी तहसीलदार है, सोच लो इसी तरह ये है। अंदर ही महक भी है, वो किसी हद तक पहुंचे हैं, लेकिन जो असली है वो त्रिलोकी से पार जाकर मिलता है। हाँ हाँ जी गुरमत खोज, नाम सदा सुखदाता पी अमृत, सब भूख लाए जावणी फिर सब भूखे मिट जाती हैं। साचा नाम मेरा धारो, साचा नाम आधार मेरा, जिन्हें भूखा सब गवाइया पढ़ते भी हैं। हाँ गुरमत खोज लहो करिया पड़ा, बहुत नगर मजारा है। सच तीरथ नाओ हर गुण गाओ, हर गुण गाओ सत विचारो हर निव लाओ। सच तीर्थ नावो, तीर्थ बनाना के थक गए किसी कुछ बना, काम घटा क्रोध घटा लोभ घटा मोह घटा कुछ शांति। सोच लो थोड़ा बहुत तन साफ हुआ, ये पता नहीं मैंने चढ़ जाए ना चाले तीरती, मन खोटे तन चोर, एक पौल थे नाते हैं दूस पर चढ़ से और। सोचो तीर्थ नाते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, क्या कबीर विचार। जहां उन्होंने भक्ति की वहां पाखी पाखी ले रही थी, कुछ ना कुछ शांति थी। जैसे ये फूल पड़े हैं वहां खुशबू आएगी, गंध पड़ा है तो बदबू आएगी, भक्ति भाव की लहरें थी, वही तीर्थ बन गया। बस बाहर बाहर रह गए, असली अंदर है नाम का तीर्थ। अरसठ तीर्थ है नाम अकेले कटनहारा, वो अमृतसर अंदर आया। ये अमृतसर समझाने के लिए बनाया था हमारे, ये गुरु रामदास ने बनाया है। जो अमरदास ने अमृतसर का जिक्र किया है, जो नाम साहब ने किया है, नाम देव ने किया है, कह अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पै सफाई हो, अंतर निर्मल अमृतसर नाय सदा सुचे सात समाए।
वे प्राग अंदर है, ये प्राग है, तीन नदियों संगम नमूना है, ईड़ा पिंगला और सुखना तीन वसीट ठाई बैनी संगम तो प्राग मनोरंजन कहते हैं। मेरा कहते हैं गंगा जमुना मैंने अंदर देखी है, उसमें नहाया तब आत्मा साफ हो, कैसे हो, सच तीर्थ नहावो हर गुण गावो, इस सिमरन करो जो फकीर बताते हैं, सिमरन कर करके देखो खाली करो, जट चेटिंग खोलो ख्याल करो आंखों से पीछे इकट्ठा करो, यहां से मार्ग शुरू होता है। सोच लो यहां से शुरू होता है, तत् लहो सोचो तत् क्या है, दूध का तत् क्या है, घी कैसे निकलता है, पहले हम उसको जाग लगाते हैं, फिर रिड़कते हैं, फिर छोटी छोटी डड़ियां मक्खन की बन जाती हैं, खसखस के दाने जितनी, फिर बड़ी, फिर पेड़ा बन जाता है, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बनता है। इसी तरह कोई फकीर मिले वो जाग लगाए, जन मन दो में नहीं जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर्षो लाइन मिलाए, वो जिया दान करे, वो जो सिमरन करते हैं बताते हैं वो सिमरन करे। सिमरन करने से जैसे लस्सी और अलग होने लगती है, थोड़ी थोड़ी मक्खन की डली बनती है, इसकी भी अंदर शांति आने लग जाती है, जड़ चेतन गांठ खुलने लग जाती है, जब ख्याल आंखों पीछे इकट्ठा हुआ जड़ से तलक टूट गए, जैसे लस्सी अलग घी मक्खन अलग, यहां मन और आत्मा दोनों मिले हुए हैं, फिर उन्हें घी ना क्या नाम मक्खन को गर्म किया, घी निकाला, फिर आगे चले यहां से शुरू करे अगे, फिर मन से तलक टूटा ब्रह्म देश तक, वहां उसका साथ है, ये ब्रह्म की अंश है, मन आत्मा सत्पुरुष की अंश है, फिर इससे आगे जाए फिर आत्मा साफ होते वहां तीर्थ है असली। सोचो ये है तत् निकालना, हाँ सच तीर्थ नावो, हाँ हाँ जी सच तीर्थ नावो हर गुण गावो, सच तीर्थ नावो हर गुण गावो, तत् विचारो हर लिव लावो, तत् विचारो हर लिव लावो, हाय हाय वो लज्जत लो, क्या बात है, है बैठ से सर पर सुनता लै गाउन 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 च रह गए सारे, हाँ 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 जी हाय हाय, हाँ हाँ तत् विचारो हर लिव लावो, इस खुशी को हजम कर अंदर चल, फिर है तो देख कैसी खुशी है, ये तो बार बार है, हाँ सोच लो बातें सुन सुन के तो खुशी है, वो खुशी हासिल तो ना की, दूसरों की शादी के गीत तो गाए, अपनी शादी तो ना करवाई, हाय हाय हाँ पढ़ पढ़ के बानी बस सुना सुनी किया, फलाने ये किया किया, ठीक है जो उनकी तालीम थी अंदर चलो वो हासिल करो, सच तीर्थ नाओ हर गुण गाओ, तत् विचारो हर लिव लाओ, हर लिव लगी किसी की बस ऐसे ही है गागा के चले गए, हाँ तत् विचारो हर लिव लाओ, अंत काल जम को है ना साथ, अंत काल जम जो है ना साथ, हर बोलो राम प्यारा है, और ये कालो लिव लगाओ हर वक्त सदगुरु याद रहता साथ ही रहता है, जमदूत नजदीक नहीं आते,
इस भक्ति के नजदीक नहीं आते, काल नजदीक नहीं आता। अंतकाल, काल को संत ने पकड़ा है, उनको उन्होंने काबू किया, वो हमें काबू करना सिखाते हैं। सबको खा गया ये, बड़े बड़े जपियों तपियों सबको, तीन लोग और चलो हमें इस गोबर का राज आया, अचानक क्यों पकड़ेगा, जो चिड़ियों ने बास पड़ते भी हैं, इस गोबर ने संता पकड़े, करो भजन से कट्ठो, ये है वो तरीका बताते हैं, ऐसे कट्ठो करो, ऐसे काबू करो। अंतकाल सोया क्या करे, सोए हो काल, ब्रह्मा का संडेगा सुनी काल की गाज। बोलो इतनी बड़ी बड़ी हंसी खाते, मूसा भागा मौत से मौत आगे खड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी हंसी खा गया, हमको पर्वत फाड़ते समुद्र घूंट कराए, ते मुनिवर धरती के लिए क्या को गर्व कराए। अंतकाल काल ने ऐसा बुलाया, मालिक को सतगुरु को तो बुला ही दिया, सतगुरु पुरख दाता वरदाना, वो दाता है, देने को तैयार है, कोई लेने वाला हो सोचो, कोई लेने वाला बातें बातें हैं सबकी, सतगुरु पुरख दाता वरदाना, घर में थोड़े से पैसे हैं वो भी देख के देते हैं बच्चे को, भी ऐसे खराब ना कर दे, वो कैसे दे, जिन अंतर साच सुशाद पहचाना, सच्चा दिल है, सच्ची तड़प है, सच्ची लगन है, लगन से प्रेम से भजन करता है, उसको देता है, उसका शब्द से तलक जोड़ता है, देख लो साधु पुरुष दाता वरदाना, जिस अंतर सास साथ पहचाना, हृदय सच एक निसार, और सब पखंड पूछ पार, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल एंटर इन द किंगडम ऑफ हेवन, वो हृदय पवित्र है वो जाएंगे अंदर। सोच लो सच्चाई पे है, मेरे कम उम्र और झगड़े में पड़ी है बस, अहंकार में बड़े ज्ञानों में, वो देने को तैयार है, सतगुरु सबको देता, लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी, जिन्हें क्या आशा तृष्णा छोड़ता है, ये ख्याल छोड़े तब अंदर जाए फिर हासिल करे। तीसरा ने लिखा है, पूर्व जन्म हम तेरे सेवक, अब तो मिटे न जाई, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई, वो शब्द धुन वो नाम फिर पलट हुआ है, फिर कहते हैं मालिक ने कहा ये तुम्हें देता हूं, संभाल के रखने से कहा कोई नहीं है, है। देख लो इसका गाह कोई नहीं, कहते मैंने दी किसी विले ने ली, सारे मुंजिंदे करते रहे, बुला उल्टा ज्ञान चलाता है, गुना सब कुरैया है, बोलो भाई हमेशा ऐसे ही होता है, किसी विले ने फायदा उठाया है संतों से। वैद कह जुलाहा ज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी, नीच जात और भक्त कहाई, हर का दर्श कबू न पाई, कहते मैं जपियों को तपियों को ज्ञानियों को सबको समझाया, योगियों को मोनियों को सबको समझाया, कोई ना मानना, सबसे हार मान में बैठा, ये सब जीव काल घर बैठा, काल का खज्जा बने रहे। हाँ जी हाँ जी, सतगुरु पुरख दाता वरदाना, सतगुरु दया करो, दया करो, दया दया भजन से निकलनी है, सच्चा दिल हो तड़पो फिर चीज मिलती है।
जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिस को सत गुरु मेल मिलाए, जिस को सत गुरु मेल मिलाए, जिस चूता जिस पे मेहर करे सच्चा दिल हो, मेहर करे उसकी जन्मबंद खत्म हो जाए, जम भय भारा हो, निमृतों से छुटकारा हो जाए, काल से छुटकारा हो जाए, उनका बताया जो रास्ता है और जो आम हम जब तक उसमें क्या फर्क है, असली रास्ता संतों साधुओं के जरिए मिलता है। साधु वो है जो पार्वण में जाए, उसकी दुर्गा में भी है उस उनका जो बताया वो रोज पढ़ते हैं शब्द, या कोई मुश्किल बने टोई कोई न दे, उसकी चौथी और पांचवी कड़ी में फैसला कर दे गुरु साहब ने क्या बोला। अति कामी हो, अति क्रोधी हो, सोच लो काम को, काम क्रोध मोह वास किया, कृपा लोभ किया, लोभ ऐसा हो पैसे पैसे के लिए मरता हो, चारे किल विख कुन आग किए, असर चारे किलो क्या जानवर को मारना, मांस खाना, परिस्थिति गमन, शाप पीना, सारे आए हैं, राक्षस बुद्धि बना हुआ है। हाँ। पोथी गीत कवत किछ कदे ना करन धरया, कभी मालिक का नाम ही नहीं सुना, इतना पापी, अरे ठीक की मिल जाए जपे। हाँ। चित आवे ओ सिपारिगम तनिमख सिमरति तरे, निमख सिमरत तरे इसका मतलब ये नहीं भी छुटकारा हो गया, कोर्स करना पड़ता है मगर रास्ता सही है, कदम कदम चले एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएगा। इतना पापी हो सोचो ठीक फिक्र में सिमरत करे, थोड़ा थोड़ा भी करे, जब दूध नजदीक नहीं आते सिमरत के आगे, पढ़ते भी हैं प्रभ किस्मन तू जब नशे प्रभ किस्मन काल पर है, वो कहां से मिलता है प्रभ का सिमन, साथ के संग सर्व निदान नानक हरन, अभी सुना था राम नाम गुरु बचनी बोलो संत सब में रस टोलो, वहां से मिलता है, उसके नजदीक नहीं आते। हाँ हाँ जी, दूसरी तरफ जो हम करते हैं आम उसका नतीजा सुनो, पूर्ण जज्जों के फैसले हैं। हाँ। शास्त्र सिमरति वेद चार बीच रे, सब शास्त्र वेद सोचो जुबानी याद हो, तपे तपी सारे जो किया, तब करता जो साता है और सब चीजों की यात्रा भी करता है। हाँ। खटकार माते गणे पूजा करता ना, खटकर क्या विद्या पढ़ना तो पढ़ाना, दान देना तो लेना या करना तो कराना, ठाकुर मंदिर पूजा भी करता है, सारे कर्म तर्म करता है, हम क्या कहेंगे उसको, देखो हम क्या कहेंगे, अच्छी जूनी मिलेगी या स्वर्ग मिलेगी वो क्या कहते हैं। हाँ। रंग न लगी पारगम, रंग न लगी पारगम, सर पर नर के जाए, सर पर नर के मन मानता है, सोचना है पूर्ण जज्जों के फैसले हैं जो मालिक दरगाह में गए हैं। हाँ।
सतगुरु पूरख दाता वरदाना, जिस अंतर साज सो शब्द समाना, जिसको सत गुरु मेल मिलाए, किस चूका जम कर पारा। ये दात उसने अपने हाथ में रखी, किसी के नहीं, सब ठगी है। बाकी अखन वाला क्या बेचारा, स्थिति परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सत सवार नारा। जो सच्चे दिल से पुकार करता है तड़पता है, मीरा की तरह हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरे दाद ना जाने को है। क्या तकलीफ थी उसको, राजपाट सुगर नौकर चाकर से गहने कपड़े से कीन डॉक्टर उसके पास, सोच लो मल के मिलने की, फिर उस पर मेहर हुई। अब मैं कौन उपाय करूं, जब मन को संसार चुके भवन पार करूं, जन्म पाए कुछ भलो न की नाते डरू, आदमी की जुनी मिली लेकिन आत्मा कल्याण नहीं हुआ, ये भला है बाहर का नहीं, बाहर तो बंधन है। सोच लो उनको मिलता है, उन पर मेहर करता है जो तड़पते हैं, गर्जी नहीं किसी को। हाँ, कामों के ठेके लिए, देशों के लिए, माँ बाप बहन भाई के लिए, नौकरियों के लिए और ठेके लिए, सारे देख लो, आज मैं कल्याण के किसी नहीं, किसी ख्याल ही नहीं। इस अगर नाम रत्न मुझ में खान खुली घटमाए, शीत नीचे दे तू गाह कोई ना है, तो गाह की नहीं मिलता, देने को तैयार हूं। अब सामने लिखा है या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस रूहानियत को कोई गाह ही नहीं मिलता है। हाँ, हाँ जी। सतगुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। यार बस आते रोज सुनते भी हैं, विक्रम भुगते में पढ़ते हैं, तन की तकलीफ है, रेशमी कपड़े पहने हुए, माया कम है, ये है वो है, बस यही से अपने ये चाहते हैं। मालिक का कोई गाहक नहीं, कोई विरला, जो मांगता फिर मिल ही जाता, बस फिर झगड़े। पिता का कृपाल आ गया कि नहीं, बात मुख मांगे सो दी नहीं, आप ही फंसते जाते हैं आगे से आगे। हाँ जी। सतगुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुरु मेल मिलाए, किस चूका जम पै पारा है, किस चूका जम पै पारा तत मिल काया कीनी, पांच तत मिल काया कीनी, इसमें राम रतन लेती। काल को रचना का हुक्म दिया था, उसने जीवों को लेकर कैद किया हुआ है। पहले कारण शरीर है, उसके सूक्ष्म शरीर है, उसके ये पांच तत्व शरीर है, इसमें कैद है। सोचो इसको जिंदगी और ताकत अंदर से मिलती है, वो ताकत है राम रमी हुई, जैसे करंट है। स्विच बंद कर दो, बिजली ऑफ दे लो, इसी तरह ये है। जब मौत आई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पानी मिल गया, हवा हवा मिल गई, आकाश आकाश में, बस खे खे हो जाएगा, इसे फायदा उठा लो। पंच तत्व मिल काया किन्नी, तिनमें राम रतन ला चीनी, वो राम इसके अंदर है, वो देखो कौन सी ताकत है जो इसको चला रही है। सोचो कोई ताकत है जो फूलों में रंग भरती है, यह है शब्द गुरु, यह नाम, जैसे इसके अंदर हमारे अंदर भी है, ये देखनी थी।
ये कौन सी ताकत है जो काम कर रही है? सोच लो। अरे उन्होंने कहा बस सारी उम्र मिट्टी की सेवा की, इसको पढ़ा, इसे फायदा ना उठाया, इसलिए मिली थी दे, इसे फायदा उठा लो, अपने जन्मन के बंधन छुड़ा लो, नहीं तो फिर चौरासी तैयार है इसके लिए। हाँ, तुमने राम रतन ला चीनी डॉक्टर निकाली, अंदर से निकली, इंजीनियरिंग निकाली और इल्म निकाले, ये ना निकाला, जो मेन चीज है वो भी इसके अंदर है। हाँ हाँ जी, पंच तत् मिले काया कीनी, पंच तत् मिले काया कीनी, किस में राम रतन लेतीनी, किस में राम रतन लेतीनी, आत्म राम राम है आत्म, आत्म राम राम है आत्म, हर पाइए शब्द विचारा है, हर पाइए वो शब्द रूप में नाम रूप में सबके अंदर आए हैं। आत्म राम राम है आप पे, दक्ष से बीज पैदा हुआ, बीज को प्रवेश करो तो दक्ष बन गया, ये आत्मा राम की अंश है, इसकी प्रवेश करिए खुद राम बन जाए। सोचो ये रमी हुई ताकत शब्द से तल्लुक पड़ जाए, शब्द रूप हो जाए, नाम रूप हो जाए। हाँ, आत्म राम राम है, सब ने कहा बूंद समान सिंध में, ये जाने सबको, सिंध समाना बूंद में बुल्ला बंश को, सोच लो वो इसके अंदर है। आप ही डॉक्टर, आप ही इंजीनियर, आप ही हैं सब कुछ है। उसको निकाले, आप ही राम है, राम का रूप बन जाए। हाँ जी, आत्म राम राम है, दो काम करने वाला है। फिर गुनाह स्वरूप क्या था? दे तो नहीं थी, दे तो काला है, वो शब्द था, शब्द रूप ब्रह्म साहब का क्या था? शब्द डॉक्टर ने काम करना है, फलाना डॉक्टर, फलाना डॉक्टर, फलाना डॉक्टर, दे तो औजार है, इसलिए शब्द रूप है। साधु अपना तन धारिया, द वर्ल्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ब्राइट एंड फ्रेस, ऐसा ने कहा है। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द सुनायो, तन तन गुरु रामदास गुरु जी ने पर्स पर्स मिलायो, गुरु नानक साहब के में शब्द आया, शब्द रूप होते, दे प्राणी भी फेंक दी गुरु रामदास साहब के अंदर, फिर गुरु अमरदास के, फिर कहते हमारे पे मेहर की है। वो काम करने वाला शब्द है, नाम शब्द जाति शब्द आकाश, नाम कहो, शब्द कहो, हुक्म कहो, पाना कहो। हाँ हाँ जी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाई है शब्द विचारा है, संतोख कहो जन भाई, सत संतोख रहो जन भाई, माग हो सतगुर शरणाई। अंदर राम को प्रकट करना तो क्या कर, सच्चा दिल रख, तड़प सत संतोष, सबर से काम कर, जल्दी का काम नहीं।
बीज डालते हैं कितने दिनों में, कितने दिनों में फल निकलता है सोच लो। वो तो बहुत कई बीज ऐसे हैं साल साल नहीं पाए, देख लो उगते। सत संतोख सबसे काम कर, जल्दी काम नहीं। सत संतोख रहो जन भाई, सुच संतोख से सबर से। दो दिन में कोई एमएनडी बना है, जल्दी काम नहीं। सत संतोख रहो जन भाई, हाँ खिमांग रहो सतगुरु सुनाई। अगर कोई कुछ बोल जाए तो उसको भी खिमा कर दो, क्यों जरा झगड़े बड़ा बस। सतगुरु के आश्रय काम करो, सतगुरु सुनाई बैठे। सतगुरु तू बिठाए तो मैं बैठ सकती, मेरी ताकत नहीं। उठे सतगुरु तेरी मेर से बैठ सका, जरा अहंकार आया तो बस गया, किया किराया सब गया जब अहंकार। याद रखो ये सतगुरु का आश्रय रख के बैठो, उसके विनती करो। मन लगे चाहे ना लगे मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। प्रसन्न लिखा है जैसा भी तैसा बरते, अपना बल नहीं हारे, अपनी तरफ से कोशिश करें। उल्ट पुलट जब राम टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग को। ये तुलसीदास जी ने लिखा भाव को भाव आल सो, तुम जैसे भी है लगे रहो, हाँ जल्दी काम नहीं। हाँ हाँ जी सत संतोख रहो जन भाई, खिमा गहो सतगुरु शरणाई, खिमा गहो सतगुरु शरणाई। आत्म थी शिकायत ये आते, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन ने तो लगना नहीं, हमारा दुश्मन है, इससे साथ लड़ाई करनी पड़ती है। बैठाओ जरूर, इंसानी तरीके से समझाते थे, क्या कुश्तियां करवा दी। हारने वाले को ज्यादा, जीतने वाले को कम, क्यों समझाते थे। जैसे ये जीतने वाले से सोचो मुकाबला तो रखा है इसने, कमजोर ने, तुम भी कमजोर हो, उसके साथ मन से लड़ो। वो जबरदस्त आ गया था, सबकी मंजूरी देगा। है हाँ 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 जी खिमा गहो सतगुरु शरणाई, खिमा गहो सतगुरु शरणाई। आत्म चीन परमात्म चीना, आत्म चीन परमात्म चीनो। सुन करके ख्याल काम पीछे इकट्ठा करो, ये स्थूल देश का हेडक्वार्टर है, यहां से आगे चलो, यहां मन और आत्मा मिले हुए हैं। आगे चलो फिर ब्रह्म देश में जाकर इन मन वहां है, वहां ठहर जाएगा, आगे नहीं जा सकता। फिर आत्मा आगे, फिर आत्मा के स्वरूप का पता चलता है, फिर सदगुरु देख सकती है, अंदर जा सकती है। हाँ आत्मा बड़ी ताकत है, ये भूला है, काल का एजेंट है, इसको विषय विकारों की लज्जत दी हुई है उसने। ये विषय विकार में फंस के भूल गया अपनी हस्ती को। सोचना इसलिए बना सा है मंत्र, जो स्वरूप अपना मूल पहचान। सोच लो बड़ी हस्ती आई है भी। हाँ हाँ जी आत्म चीन परमात्म चीनो, गुरु संगत एहो निस्तारा है। गुरु सत्संग मिले सदगुरु की शोत करते करते फिर आगे जा सकता है, अनेकों रुकावटें हैं रास्ते में इसके। हाँ जी गुरु दाओ। हाँ जी गुरु संगत
जैसे वो लग रहा हो अपना श्रवण करो, मेन चीज ये है बस, ऐसे शब्द करो जहां भजन बने श्रवण बने। हाँ हाँ जी ये बड़ी हस्ती है, ये नहीं है। मन ने आप गुमाया ज्ञान बुझाया दीव, कर्म लगा भ्रमत फिरो मिलन अपना पीव, दौड़ दौड़ रसौरी हो रहा कंगाल, नातरा के भूखता ऊंचा बड़ा दयाल। महात्मा चंद्रदास ने लिखा, ये बड़ी हस्ती है। हाँ जी साकत कपट मैते कपट मैते अहनस निंदा कर अनेका। साकत क्या मनमुख, मनमुख कौन से मनमुख, जो शब्द पिछाने हैं, जिसने शब्द का रस लिया वो सारे मनमुख हैं, जिसने लिया वो गुरमुख हैं। जो साकत आए कूड़ कपट में, कूड़ के लिए लड़के मर गए, मेरा देश मेरी कौम मेरे सोच लो मेरे कौम मेरे मजहब मेरे माँ मेरे बाप मेरी जमीन मेरी जायदाद, प्राय निंदा कर करके सोचो हर एक चीज में लज्जत है, निंदा में क्या लज्जत है बोलो भाई। एक काम दूसरे के मत दूसरे के दूसरे की निंदा निंदा लगी पड़ी है। साकत कूट कपट में टेका, एनस निंदा करे अनेका। कोई बुरा है तभी निंदा करते हैं, उसको याद करोगे वही वसेगा अंदर, क्या होगा वो बसा लिया। निंदा भली कहूं कि नहीं मन मुकरण मुंह काले तेना निंद का नरके को रुआन। सोच लो कर्मियों धर्मियों ने पुजारियों ने संतों की मुखालफत की है, उनकी निंदा ही करते रहे हैं, जुलाहा उल्टा ज्ञान चलाया, उनकी मुखालफत ही की है, तकलीफें दी उनको, साकतों ने कूड़ कपट में टेका। हाँ हाँ जी साकत रोज आशीर्वाद पढ़ते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैष्णव महान, ये पौड़ी या पौड़ी चढ़ा कोई कूड़ छोड़ा किसी ने, नान मुखाने बेहती तुझाजो कूड़ो कूड़ नहीं ना, हम चाया हम गया हम जमे हम माया हम पढ़ते भी हैं, हमें छोड़ी किसी ने, बस मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना, मैं ज्ञानी मैं त्यानी मैं यू मैं वो, बस सोच लो। और कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार, नानक बिन नामे कुछ थर नहीं, पढ़ पढ़ ख्वार हो ख्वार, जो असली मतलब था लिए ही ना, रोज पढ़ते हैं हम, नंद भया मेरी माया सतगुरु में पाया सतगुरु में पाया, सह सिद्धि मन वजिया बधाइयां, राग रत्न परिवार पर शब्द बनाइया, पढ़ तो लिया आनंद मिल गया ना, उन्होंने पाया मेहनत की कहा सह सिद्धि सहज अवस्था में, वहां पहुंची तो आनंद मिले सतगुरु मिले, फिर आनंद मिले कैसे मिले, अमली नहीं सोचा ही नहीं, क्या कहते हैं सहज शक्ति सहज अवस्था पुत्र लोग किसे पा रहे हैं, कह कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद, सोच लो वहां जाए सुन हृदय सतगुर सा दानी, सतगुर सत पुरुष को जानी, रहता कहा है चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा, वहां जाए तब आनंद मिले कि पढ़ने में मिलेगा, मतलब ना लिया सोच लो। हाँ हाँ साकत पूरे कपट में सिमरण आवे पुन जा
सिमरन सिमरन करके सिमरन करके किसी को खाली करें, यहां सतगुरु जिन फकीरों से काम लेता है उसी रूप में आकर मिलता है। सफल मूर्त परसु संतन की है धन धारणा, यहां अनेकों धोखे हैं। रेडियो में कितनी आवाजें हैं, कलकत्ते की, बंबई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, सारी हैं। सोच लो इसके अंदर भी ब्रह्म लोग शिव लोग वो स्वरूप आकर पकड़ाता है, किसको पकड़, ये तेरे घर का रास्ता है। शब्द मिले तो हर मिले से वो सुख था है, सुर्ख शब्द में रखिए तब पंच दरबार कह कबीरता देखिए बैठा पुरुषमान। अकाल मूर्त सा संत की ठहरे निकट ध्यान को, यहां देह है वहां वो स्वरूप सूक्ष्म है, फिर आगे ले जाता है इसको अपना रूप बना लेता है। जैसे मास्टर पढ़ाता पढ़ाता है इसको हमें बना लेता है, वो भी हमें वो भी हमें इस तरह वो है, फिर अंदर जा सकता है, फिर सतगुरु रूप बन सकता है। सिम मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताया, स्वाम स्वाम सिमर करो एक दिन गुरु मिल जाए, लगा रहे बस सारे ख्याल निकाले फिर आए। हाँ बिन सिमरण ना घर छोड़ने ना बाल बच्चे छोड़ने, भी लेने देने खत्म करने हैं। हाँ जो छोड़ के गया क्या फायदा उठाया उन्होंने। हाँ जी बिन सिमरण आवे पुन जावे गर्भ जोनी नरक मंदारे गर्भ जोनी नरक सागत जाम की पानी न चूके सागत जाम की पानी न चूके जम का डंड न कब भूके। जो साकत मनमुख है मन के कहने पे चलते हैं, बाहर मुखी भक्ति में है, जिन दुख के खा जाते हैं, हर जन्म के बाद मौत आती है, पकड़ के ले जाते हैं धर्मराज के पास, सोचो कभी किसी जिंदगी में कभी किसी में, कभी गधा कभी घोड़ा कभी कर्मों के हिसाब से पकड़ा जाए। हाँ जम का दंड न कभी मुक्के है, है। हाँ मौत आई चल धर्मराज के, फिर पता हुआ चल धर्मराज के है, है। हाँ साकत जम की साकत जम की कान न छूते जम का दंड न कब भूले, जम का दंड न कब भूले। बाकी धर्म राय की दीगे बाकी धर्म कर्मों के पास में कर्मों के हिसाब से चौरासी में फिर रही है। इस जन्म में कितने अच्छे तुल्य पड़ा होगा, किसका खाया किसको खड़ा है, किसे प्रेम किया किसे प्रेम लिया, किसे दुश्मनी की किसे, सोच लो लड़ाई झगड़े कोई कहीं जाएगा कहीं जाएगा, कब अकाउंट खत्म हुए, जुगन युग से चक्कर में आए, स्टोर पड़ा जुगन युग से। बाकी तन्मय की जब जाते हैं तो ये तेरे कर्म है जिनसे तलक पड़ा उसके उस हिसाब से प्रारब्ध बना देता है, बस इसी तरह चक्कर में पड़ा है। अगर छुटकारे वाला है तो सच्चे नाम की भक्ति है बस और कोई नहीं। हाँ जी से पूछा गया गुंडा क्यों हुआ है, कहना मुझे पिछले 100 जन्मों का पता, मेरा कोई कर्म नहीं जिससे मानता हूं। जब कृष्ण भगवान ने पूजो दी फिर पता चला 106 जन्म पीछे कर्म किया था उसका बदला आज भुगत रहा हूं, इतने कर्म पड़े हैं इसको। अगर ठीक फिर मिल जाए समय करें
रोज रोज सिमरन अच्छी तरह करे तो उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, और ज्यादा करे सिमरन नाम के लिए सब काटे तमराय के कागज फाटे, फिर तमराय के कागज भी फटने लगते हैं। हाँ मीरा भी कहती है पूरे जन्म कोटक पाप कटे, कोटक पाप कटे। हाँ हाँ जी हाँ जी। राम नाम तुम जपते साकत जाम बाकी तरम गाए की लीजे सिर अभर पार अपारा है हो बिन गुर साकत कहो का करिए कवजल परिया करता कवजल परिया। अब सब होती है छुटकारा नहीं, हाँ मेरा घर मेरी जमीन मेरे काम मेरे मजबूर से फंसा रह गया। हाँ हाँ जी बिन गुर पार न पावे कोई बिन गुर बगैर सदगुरु भक्ति के बगैर पलट की छुटकारा नहीं है। हाँ बिन गुर पार न पावे क्या है समझ नहीं मैं गुरु पार न पावे कोई हर जपिए ओ मन तारा ओ सिंधी। हाँ चलो हाँ बैठ 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 ओ दिन गुरु पार न पावे वो गुरु सब के अंदर है उसको प्रकट करे। बाहर गुरु कैसे बने थे, किसी ने डॉक्टरी की उसको हम कहते हैं डॉक्टर, उस इल्म का नाम डॉक्टर है। अब वो इल्म ना हो फिर तो नहीं, जहां वो शब्द गुरु आता उसको गुरु कहते थे, बाद में नकले चल पड़े गुरु पे, गुरु चढ़ गए इतने गुरु हो गए चेले नहीं रहे, गलिया रहे गुरु फिर था घर का कंठी देख और काज उनको नहीं दिव्य कौन है कम फुका गुरु जग का राम लावन और सोसत को जाने मुख दिखावन ठावर मुक्ति वाला हो रहा है। वो सबके अंदर है, अपनी विद्या ने काम देना है, अपने गुरु ने काम देना है। वो आते हैं कि तेरा गुरु तेरे अंदर उसको पकड़े है। हाँ जी हाँ बिन गुर पार न पावे कोई हर जपिए पार उतारा है। जो ये जपते हैं इस रास्ते में पढ़ते हैं जन्म कई के लग जाते हैं, ऐसे जल्दी काम नहीं, लेकिन मौत के वक्त आराम से जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशी होगी, कर्म होंगे तो पहले सब कुटवा लेगा,
लेकिन मौत के वक्त सिर्फ खुशी हो गई, टट्टी पेशाब निकलता है। यमदूत नजदीक नहीं आते, अगर आ जाए धक्का मार के उनकी ताकत बाहर निकाल दें, ये है शक्ति। और ठीक फकीर मिल जाए, यमदूत नजदीक नहीं आएंगे, और फकीरी कोई निशानी यही है, उसके चिताए जीव आराम से जाएंगे मौत के वक्त, खुशी खुशी जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशी होगी। बुढ़े जवान बन जाते हैं। हाँ हाँ जी, इस व्यक्ति के नजदीक नहीं आते अंदर वाले सतगुरु की, जिन्हें सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना, जिन जम की तलना हो गई नाम दुख सहाय। इस व्यक्ति को सच्चे नाम की कहो, सतगुरु कहो, शब्दगुरु कहो, इसको धर्मराय भी नमस्कार करता है, जो सबका आसान मांगता है। पापी कन कुमान दे कर दे हाय हाय, नानक जो मथन मदानिया त्यों मथे धर्मराय। नाम ते आयन साजना जन पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवे की तो पवन प्रीत, वो भी नमस्कार करता है। हाँ हाँ जी, हाँ मोहर लगा दें फकीर माल के बख्शे हुए आते हैं, उस दात को कोई नहीं मेर सकता। अभी सुनाया था, सेंटर का मुलाजिम हो हरियाणा में, गुनाह करे सजा तो पाएगा, कर्मों के साथ देना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा वाले तो कुछ नहीं कर सकते। सोच लो इसलिए सदगुरु का महकमा नहीं लग गया, ये काल कुछ नहीं कर सकता। मौत के वक्त नजदीक नहीं आते, जमदूत काल नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता कर्म कटा के सबको ले जाता है। गुनाम साहब का जीव था, खोटे कर्म किए, देखो सजा तो दिलाई, नरक में भेजे फिर भी निकाल के लाए, वो छोड़ता नहीं महकमा, ही ऐसा महकमा है। हाँ हाँ जी, उसके जन्म मन दुख मेर ना आवे, जन्म मन के परे हो जाएंगे, सब को आप कर्म कटवाता है, लेने देने खत्म करवाता है, लेकिन काल के बस नहीं आता। हाँ जन्म मरण दुख तो नहीं करते सदगुरु और सच्चे नाम की, उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं, वो बार बार जन्मते हैं मरते हैं। ये इसलिए भक्ति है। हाँ वो सुनता नहीं, सुनते भी हैं, दिल भी आ जाता है, सामने जाता है, करता कोई नहीं, मानता कोई नहीं। हाँ गुरु के गुरु के
अच्छे कर्म करोगे सुख में चले जाओगे, सुख हो गया फिर चौरासी तैयार है। चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, जब तब कुछ कर लो उसका फल तो जरूर होगा, निधियां सीधियां आ जाएंगी, लेकिन जन्मन के तो नहीं छूटते। भगवान ने लिखा है उदो जो कीड़ा जा रहा है, ये कहते सुर्ग राज इंद्र बना, कहते शिष्य का ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है। सोच लो चौरासी नहीं खत्म होती। हाँ हाँ जी गुरते फूले आवो जाओ जन्म मरो साकत हैं, जो मन में मन के कहने पे चलते हैं, जो शब्द गुरु को प्रकट नहीं करते, मन कौन है से मन मुख शब्द न पिछाने, जो इस भक्ति में नहीं लगते, जब मौत आती है फिर पछताते हैं, हे राम फिर करते फिर क्या बनता है, दुख लागे तरह पुकाराए, जैसे जैसे कर्म है वैसे के भक्त में फिर क्या बनता है, बस खराब करके चले गए। हाँ जी हाँ कीर्ति जनता ऐसे खराब करके चले गए सब, जिस गुल्ले ने फायदा उठाया है, पर वो भी जिसको मालिक बख्शे, युद्धा तो उसने अपने हाथ में रखे किसी के नहीं। हाँ हाँ जी मौत के वक्त भी यहाँ भी या तकलीफ पिछले कर्म किए बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा भुगतता है, फिर कहता है उसका इलाज क्या है। जब तक कर्म खत्म नहीं होते इलाज नहीं, बीमारी नहीं जाती, दवाई लेने देने खत्म करने के लिए भी लेने देने खत्म करने पड़ते हैं, लेकिन कर्म जब खत्म होता है, जब कर्म खत्म होता है तब बीमारी जाती है। हाँ फिर दुख दूर होता है, कराना ही पड़ता है इलाज लेने देने खत्म करने के लिए। हाँ हाँ जी सुख दुख पूरा का फैसला करते हैं। हाँ सुख दुख पूरा जन्म के किए सुख दुख पूरा जन्म के किए सो जाने पुराने कर्मों के हिसाब से सुख भी आने दुख भी आने, अमीरी भी आने गरीबी भी आने, तंदुरुस्ती भी बीमारी सब कुछ होना है, बहुत भुगतने पड़ते हैं, भुगते बगैर छुटकारा नहीं। हाँ सुख दुख कर्म का तारे नहीं करे, कहा रामचंद्र जी राजे कहा वनवास, देख लो भाई कहा हरिचंद राजा कहा चूड़ कर पिका, कर्म देख लो, बाली को मारा उसी बाली ने भील का उतार कर मारा अगले जन्म में, कर्मों के हिसाब से इसी से झगड़ा पड़ा है बस, तब लोग की तक ऐसे ही हाल है। हाँ तो तीन लोग का पिंजरा ब्याह पाप पंदो जाल सकल जीव सब है एक ही काल सबको खा गया, निमिशुदा खाना फरामोशुदा अगंदा फिर काली बस सह कर देता सगा, कि हमारे कर्म में वार भी क्या दर दर फट लिखा है, वो जादूगर ने ऐसा जादू डाला कि निकलने का राय नहीं छोड़ा है। हाँ हाँ जी दुख दुख पूरा जन्म के लिए
पाप ही किए हैं कर्म, उसके बाद भूख रहे हैं सब। सोच लो आइंदा के लिए बंदोबस्त करो छुटकारे का, ये तो कर्म भुगतने हैं, बगैर भुगते छुटकारा नहीं। जितने भुगत जाए अच्छा है। एक आदमी 12 साल पड़ा रहा है खाट पे, उनका भुगतले कर्म, फिर उठा नहाया धोया तो फोटो खींचो, ऐसा बन गया जवान, बोल फोटो पड़ी है, 4 दिन के बाद चोला छोड़ गया, रोज मसाले हैं। सो इसमें कर्म भुगतने पड़ते हैं सबको। हाँ किसको तो सदगुरु कटवाए तो कटवाए कर्म बस। हाँ सिमन से हल्के हो जाते हैं कर्म। हाँ जी कहीं को देखा बीमार पड़े हैं वक्त तकलीफ ही कोई नहीं। हाँ जी हाँ किसको दोष दे तू